हेलो दोस्तों, भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार है और 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। पूरे जोरों शोरों से अयोध्या नगरी को सजाया जा रहा है। तो दोस्तों आइए शेयर करते हैं अयोध्या नगरी की और साथ ही अयोध्या नगरी के तीर्थ स्थलों के बारे में। अयोध्या, जिसे रामनगरी भी कहा जाता है, जो कि हिंदू धर्म का सबसे पवित्र स्थल है। तो दोस्तों आइए चलते हैं अयोध्या की सफर पर। हिंदुओं का सबसे प्राचीन और पवित्र तीर्थ स्थल अयोध्या भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक धार्मिक नगर है। यह नगर पवित्र सरयू नदी के तट पर बसा हुआ है। 120 वर्ग किलोमीटर में फैला अयोध्या देश की राजधानी दिल्ली से 680 किलोमीटर और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 135 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। साथ ही यह शहर अयोध्या जिले का मुख्यालय भी है। रामायण के मुताबिक अयोध्या की स्थापना मनु ने की थी और अयोध्या हिंदुओं के साथ पवित्र तीर्थ स्थलों में से भी एक है और एक समय पर यह कौशल राज्य की राजधानी भी हुआ करती थी। भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या में ही हुआ था और कई सालों तक भगवान श्री राम ने लोगों को प्रेम, दया और भाईचारा और मानवता का पाठ पढ़ाया और उसके बाद सरयू नदी में प्रवेश करके उन्होंने अपने मानव शरीर का त्याग कर दिया। आज के समय पर अयोध्या की जनसंख्या की बात करें तो लगभग 80,000 के करीबन लोग अयोध्या में निवास करते हैं, जिनमें से 93% आबादी हिंदू धर्म की है और मुस्लिम 6% के साथ दूसरे नंबर पर है। पिछले वर्षों में इस शहर को तेजी से डेवलप किया जा रहा है। ईस्वी सन 1527 में मुगल वंश के बाबर के आदेश पर उसके सेनापति मीर बकी ने अयोध्या राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद का निर्माण किया और पिछले 5 सदियों से चला आ रहा विवाद 2019 में जाकर खत्म हुआ। 5 अगस्त 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर के निर्माण की नींव रखी। जब से राम मंदिर का कार्य शुरू हुआ है तब से अयोध्या एक बड़ा पर्यटन स्थल बन चुका है। भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनकर भी तैयार हो चुका है, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को की जानी है। 2 मंजिला इस मंदिर को 10 एकड़ में बनाया गया है, जिसकी ऊंचाई है 128 फीट। भूमि तल में भगवान राम के जन्म और बचपन की कहानी को चित्रित किया गया है। अयोध्या घाटों और मंदिरों की एक पवित्र नगरी है। सरयू नदी के तट पर 14 प्रमुख घाट मौजूद है, जो कि दिवाली के दिनों में जगमगा उठते हैं। बात की जाए ट्रांसपोर्ट की तो अयोध्या को एशिया के श्रेष्ठतम रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां से देश के लगभग सभी शहरों से पहुंचा जा सकेगा। अयोध्या में श्रीराम इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनकर तैयार है, जो कि भारत के महत्वपूर्ण बड़े शहरों से जुड़ जाएगा। हिंदुओं की धार्मिक नगरी अयोध्या में कई सारे पर्यटन स्थल मौजूद है। तो आइए बात करते हैं अयोध्या के पर्यटन स्थलों के बारे में, जिनमें सबसे पहले तो है राम मंदिर। भगवान श्री राम का भव्य राम मंदिर हिंदुओं का सबसे बड़ा पवित्र और धार्मिक स्थल है, जो कि भगवान श्री राम को समर्पित है। उसके बाद है हनुमान गढ़ी। हनुमान गढ़ी अयोध्या के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। इस मंदिर में हनुमान को समर्पित एक मंदिर है और यह मंदिर एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है, जिसे 10वीं शताब्दी में बनवाया गया था। उसके बाद है त्रेता के ठाकुर। त्रेता के ठाकुर अयोध्या में सरयू नदी के तट पर स्थित एक प्राचीन मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि यह वही जगह है जहां पर श्री राम ने अश्वमेघ यज्ञ किया था। इस मंदिर में भगवान राम की मूर्तियों को रखा गया है, जो प्राचीन समय में काले रेत के पत्थरों से उकेरी गई थी। उसके बाद है गुप्तार घाट। सरयू नदी के तट पर स्थित यह घाट हिंदू धर्म का पवित्र और पूजनीय स्थल है। भगवान श्री राम ने यहाँ पर ध्यान किया था और नदी के जल में समाधि ली थी। इसके अलावा भी नागेश्वर नाथ मंदिर, दशरथ भवन, कनक भवन, लक्ष्मण किला जैसे कई स्थल मौजूद है, जो कि देखने लायक है। तो दोस्तों ये थी हमारी राम जन्मभूमि और पवित्र नगरी अयोध्या। कमेंट में जय श्री राम जरूर से लिखें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय भारत।